मैडम मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहे थे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। जिम में क्या करने आते हो? लड़कियों को टच करने आते हो गलत तरीके से। मैडम आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो? मैंने तो बस आपकी हेल्प की है, और ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रुक, मैं अभी मैनेजर को बुलाती हूँ। मैनेजर! मैडम! मैनेजर! क्या हुआ मैडम? ये लड़का मुझे गलत तरीके से टच कर रहा था। आप इस जैसे लड़कों को एडमिशन कैसे दे देते हो जिम में? ये करने आता भाई तो जिम में। भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस मैडम की हेल्प कर रहा था, बल्कि मैडम ने उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा है। रुक। अरे ऐसी। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तब तुझे पता चलेगा। अरे मैडम रुक जाइए, आप पुलिस को फोन मत कीजिए, इससे हमारे जिम की बदनामी होगी। आप एक काम कीजिए, अब की बार छोड़ दीजिए। अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करता है तो हम सब मिलकर खुद ही कंप्लेंट कर देंगे। ओए सुन, आगे से अगर ऐसी हरकत की ना तो तेरी पुलिस कंप्लेंट ये नहीं, मैं खुद करूंगी। समझ में आई? बदतमीज। सुनो ए, जिम करने आता है जिम कर, लोंडियाबाजी नहीं। अगर आगे से ऐसी हरकत करी तो तेरे को जिम से बाहर फेंक देंगे, ठीक है? चलो भाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। जिम में क्या करने आते हो? लड़कियों को टच करने आते हो गलत तरीके से। सुनो ए, जिम करने आता है जिम कर, लोंडियाबाजी नहीं। ईशा, मैंने सुना था जिम में तुम्हें किसी ने छेड़ा है। ओ, अच्छा वो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक्चुअली वो तो मेरी हेल्प कर रहा था, पर वो लड़का बहुत अकड़ में रहता था, उसकी अकड़ तोड़ने के लिए मैंने ये सब किया। पर ईशा ये तो गलत है ना? क्या, कुछ गलत सही नहीं होता, और तुम क्या समझदार बन रहे हो? मुझे जो लगा मैंने वो किया, अब चलो यहाँ से। सेम गलती की सेम सजा।